نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر رواه ابن ماجه. मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज 27 मार्च 2021 तारीख है और चांद के हिसाब से शाबान की आज 13 तारीख है। यानी आइंदा कल 28 मार्च को शाबान की 14वीं तारीख है और 14वीं तारीख के दिन गुज़रने के बाद जो रात आती है वो लैलतुन निस्फ मिन शाबान है, जिसको हम शब बारात कहते हैं। बाज़े लोगों का ये ख़्याल है और वो कहते भी हैं कि शब बारात की कोई फजीलत कुरान और हदीस से साबित नहीं है, लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है और ये बात सही नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि शब बारात की कोई फजीलत कुरान और हदीस से साबित नहीं है, वो सही नहीं कहते, बल्कि शब बारात की फजीलत कुरान मजीद से भी साबित है और अहादीस से भी साबित है। कुरान मजीद के अंदर 25वें पारे में सूरह दुखान है, सूरह दुखान की आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। इस कुरान करीम को हमने एक मुबारक रात के अंदर नाजिल किया। अब ये लैलतुल मुबारक जो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया है कि इस लैलतुल मुबारक से क्या मुराद है, ये कौन सी रात मुराद है, इसमें मुफस्सरीन का इख्तिलाफ है। अक्सर मुफस्सरीन की राय तो यही है कि यहाँ लैलतुल मुबारक से लैलतुल कद्र मुराद है, शब कद्र मुराद है, जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर आती है। अलबत्ता बाज़ मुफस्सरीन की राय यह है कि यहाँ लैलतुल मुबारक से शब बारात मुराद है, और उसका करीना यह है कि आगे अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, हिकमत भरे उमूर इस रात में तकसीम किए जाते हैं। और ये हिकमत भरे उमूर जो तकसीम किए जाते हैं तो ये शब बारात में तकसीम किए जाते हैं, अहादीस के अंदर इसकी सराहत आई है, जिसकी वजह से बाज मुफस्सरीन की राय ये है कि लैलतुल मुबारक से यहाँ शब बारात मुराद है। तो लिहाजा ये शब बारात का सबूत कुरान मजीद से भी हुआ, और शब बारात की फजीलत के सिलसिले में जो अहादीस हैं, अगरचे हर हर हदीस को अलग से देखा जाए तो सनद के एतबार से ज़ईफ़ हैं, लेकिन
जब ज़ईफ़ हदीसें मुतअद्दद तुरुक से मरवी हों तो उस वक्त उसके अंदर कुव्वत आ जाती है और वो काबिल इस्तेदलाल हो जाती है। तकरीबन 10 सहाबाए किराम से शब बरात की फजीलत वाली हदीस मरवी है। उनमें से एक हदीस है जो इबन माजा शरीफ के हवाले से मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 115 के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इदा कानत लैलतु निस्फ मिन शाबान फकूमु लैलहा वसूमु यौमहा फइन अल्लाह ताला यन्ज़िलु फीहा लिगुरूब الشمس الى السماء الدنيا فيقول الا من مستغفر فاغفر له الا مسترزق فارزقه الا مبتلا فاعافيه الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब लैलतुन निस्फ मिन शाबान हो, शाबान की 15वीं शब हो, जब शब बरात हो, उस वक्त तुम रात में क़याम करना यानी अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करना और दिन में रोज़ा रखना। फिर आगे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इस रात की फजीलत के सिलसिले में कि इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व ताला गुरूब शम्स के बाद दुनियावी आसमान पर उतर कर आते हैं और फिर ऐलान फरमाते हैं कि है कोई मगफिरत का तालिब जिसकी मैं मगफिरत करूं, है कोई रिज्क का तालिब जिसको मैं रिज्क अता करूं, है कोई मुसीबत ज़दा शख्स जिसे मैं मुसीबत से नजात दूं, मैं उसे आफियत दूं, है कोई और हाजतमंद शख्स जिसकी हाजत मैं पूरी करूं, हत्ता यतलु अल फज्र, और यही ऐलान अल्लाह तबारक व ताला सुबह सादिक तक फरमाते रहते हैं। इस हदीस पाक के अंदर साफ तौर पर यह बात बयान की गई है कि शब बरात के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की खुसूसी तवज्जो बंदों की तरफ मबजूल होती है और अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों का खुसूसी नुजूल होता है, जिसकी वजह से मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों इस रात के अंदर हमें अल्लाह तबारक व ताला की खूब इबादत करनी चाहिए। ये फजीलत वाली रात है, बरकत वाली रात है और अल्लाह तबारक व ताला की खुसूसी रहमत के नुजूल की रात है, जिसकी वजह से इस रात के अंदर हम खूब से खूब अल्लाह तबारक व ताला की इबादत किया करें और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ खूब मुतवज्जे हों। अलबत्ता कोई ख़ास इबादत मुकर्रर नहीं है, मुतय्यन नहीं है जो इस रात के अंदर की जाए। जैसे बाज़ लोग कहते हैं कि शब बारात के अंदर नमाज पढ़ी जाए और पहली रकात के अंदर फ़ुला सूरत पढ़ी जाए, इतनी मरतबा पढ़ी जाए, दूसरी रकात के अंदर फ़ुला सूरत पढ़ी जाए और इतनी मरतबा पढ़ी जाए, इस तरह बाज़ लोग बयान करते हैं। इन बातों की कोई हकीकत नहीं है और ये बेबुनियाद बातें हैं। आप नफिल नमाज पढ़ें दो दो रकात करके और उसके अंदर जिस तरह दूसरी नफिल नमाज़ें पढ़ते हैं तो इसी अंदाज़ में नफिल नमाज़ें पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत किया करें और अल्लाह तबारक व ताला का ज़िक्र करें, अल्लाह तबारक व ताला से दुआएं करें। अद्दुआउ मुखुल इबादा, हदीस पाक के अंदर बयान किया गया है कि दुआ तमाम इबादतों का मगज़ है। अल्लाह तबारक व ताला से अपनी जो दुनियावी ज़रूरतें हैं, उखरवी ज़रूरतें हैं, उन तमाम ज़रूरतों के पेश नज़र अल्लाह तबारक व ताला से खूब दुआएं करनी चाहिए और दुआएं इस रात के अंदर कबूल होती हैं, जिसकी वजह से इस रात के अंदर तो अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करनी है। और बतौर ख़ास यहाँ एक बात ज़िक्र कर दूँ, वो है सलात तस्बीह नमाज। इस नमाज की बहुत फजीलत आई है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे चचा, ये सलातु तस्बीह नमाज रोज़ाना एक मरतबा आप पढ़ लेना, अगर रोज़ाना नहीं पढ़ सकते हैं तो हफ्ते में कम अज़ कम एक मरतबा पढ़ लेना, अगर हफ्ते में नहीं पढ़ सकते हैं तो महीने में एक मरतबा पढ़ लेना,
ना हो सके तो साल में एक मरतबा पढ़ लेना, अगर वो भी ना हो सके तो जिंदगी में कम से कम एक मरतबा पढ़ लेना। इसलिए कि सलातुत तस्बीह जो नमाज है ये गुनाहों को माफ कर देती है, चाहे समुंदर के झाग के बराबर भी गुनाह हो तब भी अल्लाह तबारक व ताला उन गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो जिसकी वजह से मेरे मोहतरम भाइयों, बतौर खास इस शब बारात के अंदर और फजीलत वाली रात के अंदर इस नमाज को हम फरामोश ना करें, बल्कि अगर हो सके तो ये सलात व तस्बीह नमाज पढ़ लें, और सलात व तस्बीह नमाज पढ़ने का जो तरीका है या उलमाए किराम से मालूम कर लें। और दिन में रोज़ा भी रखें। बाज़ लोग ये पूछते हैं कि शब बारात का रोज़ा वो कितना रोज़ा है, एक रोज़ा है या दो रोज़े हैं या तीन रोज़े हैं। ये बात भी खूब अच्छी तरह जहन में रखनी चाहिए कि शब बारात का रोज़ा सिर्फ एक ही रोज़ा है। जो दो रोज़े हैं वो यौम आशुरा के रोज़े के सिलसिले में है कि यौम आशुरा के अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रोज़ा रखा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के आखिरी साल में ये ख्वाहिश जाहिर फरमाई थी कि लइन बकीतु इला काबिलिन लअसूमन तासिअ, अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा तो 10वीं तारीख के रोज़े के साथ नवी तारीख का रोज़ा भी मिलाकर रखूँगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले साल हयात में नहीं रहे, उससे पहले ही वफ़ात हो गई थी, लेकिन चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश जाहिर फरमाई थी तो जिसकी वजह से उलमाए किराम कहते हैं कि यौम आशुरा के अंदर एक रोज़े के साथ एक रोज़ा मज़ीद मिलाकर रख लिया जाए, ये मुस्तहब है। लेकिन शब बारात के अंदर इस तरह की कोई बात नहीं है, शब बारात के अंदर सिर्फ एक ही रोज़े की फजीलत अहादीस पाक के अंदर आई है, तो जिसकी वजह से एक ही रोज़ा रखें। और इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मगफिरत भी होती है। इब्न माजा शरीफ की एक और हदीस पाक के अंदर हजरत अबू मूसा अशारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से वह हदीस मरवी है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन अल्लाह ताला लयत्तलिउ फी लैलति निस्फ मिन शाबान फयगफिरु लिजमीई खल्क़िही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिन وفي رواية أخرى إلا اثنين مشاحن وقاتل نفس। ये हदीस भी मिश्कात शरीफ सफ़ा नंबर 115 के अंदर मौजूद है इब्न माजा शरीफ के हवाले से। हज़रत अबू मूसा अशारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान कर रहे हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला शाबान की 15वीं शब में बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं और अपनी पूरी मखलूक की मगफिरत फरमा देते हैं, सिवाय दो किस्म के लोग हैं जिन दोनों के अल्लाह तबारक व ताला मगफिरत नहीं फरमाते हैं, नंबर एक मुशरिक और नंबर दो मुशाहिन कीना परवर। जो मुशरिक है शिर्क के अंदर मुबतला है उसकी अल्लाह तबारक व ताला मगफिरत नहीं फरमाता है, और जो मुशाहिन है कीना परवर है दिल में कीना रखता है बुग्ज रखता है हसद रखता है उसकी भी मगफिरत नहीं होती है इस मुबारक रात के अंदर। दूसरी रिवायत के अंदर है मुशाहिन औ कातिल नफ्स, एक तो कीना परवर है और एक कातिल नफ्स है जो कत्ल करने वाला है, उसकी भी अल्लाह तबारक व ताला इस रात के अंदर मगफिरत नहीं फरमाता है जो किसी का कातिल हो। जिसकी वजह से मेरे भाइयों, जो फजीलतें कुरान और हदीस से साबित हैं उन फजीलतों पर अमल करने में हमें कोई हर्ज नहीं है, और उन फजीलतों पर अमल करना चाहिए। हाँ अलबत्ता जो उमूर कुरान और हदीस से साबित नहीं हैं उन उमूर से हम इज्तनाब करें, जैसे मिसाल के तौर पर शब बारात के अंदर बाज़ लोग आतिशबाजी करते हैं, चिरागे जलाते हैं और दिन में हलवा जो है वो पकवाते हैं घर के अंदर, तो ये सब उमूर कुरान व हदीस से साबित नहीं हैं, जिसकी वजह से इन उमूर से हम इज्तनाब करें। ये उमूर बिदअतों में से हैं।
और जो बातें और जो उमूर कुरान व हदीस से साबित हैं, उन बातों पर हम अमल कर लें। अल्लाह तबारक व ताला हमें खूब अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। और आखिर में एक बात और अर्ज़ कर दूँ, वो ये है कि शब बारात के अंदर कब्रस्तान जाना, इसका क्या हुक्म है? तो इसके सिलसिले में भी हदीस पाक के अंदर आता है कि एक शब बारात के अंदर अम्मा जना आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रात के अंदर उठ कर के मैंने देखा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर तशरीफ़ फरमा नहीं है। मैं ढूंढने लगी, ढूंढते ढूंढते जन्नतुल बकीय में पहुंची तो देखा वहां जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, वहां तशरीफ़ फरमा है। तो लिहाजा शबे बारात के अंदर कब्रिस्तान जाना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। लेकिन ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है वो एक ही मर्तबा साबित है। अगर ये सुन्नत मुस्तमिर रह होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल इसका एहतमाम क्या करते थे और हर साल कब्रिस्तान जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, एक ही मर्तबा तशरीफ़ ले गए थे, तो जिसकी वजह से हज़रत मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैहि वो फरमाते हैं कि अगर इस सुन्नत पर अमल करना है तो ज़िंदगी में एक मर्तबा या कभी हाजिर हो जाएं, इसको बाकायदा एक सुन्नत ना बनाएं और इसका इल्तिज़ाम और एहतमाम ना करें। कभी शबे बारात के मौके पर कब्रिस्तान पहुंच गए तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है और जा सकते हैं, सुन्नत पर अमल करने की नीयत से जो हो जाएं। और